Good morning, students. Take out exercise 9B in your book and solve in your book only. Okay, because the space is provided in your book. So first question given here is ring the like fractions. Like fraction को गोला लगाना है. Like fraction मतलब क्या है? जिसका denominator same होता है वो fraction को हम लोग like fraction कहता है. इसमें देख रहे हैं ना कौन सा fraction का denominator same है 2/5 and 1/5 है ना. तो हम लोग ring गोला लगाएंगे 2/5 and 1/5 को. Moving to the next question, 3/4, 3/11, 7/11 and 7/9 is 9 are given here. So here 3/11 and 7/11 are like fractions because the denominators are same. And next case 1/6 and 2/6 and moving to the D, 1/10, 9/10, 7/10 are like fractions. And E, all the fractions given are like fraction because every fractions denominators are same. And next one 2/15, 9/15, 13/15 are like fractions. Next one color the proper fraction green and improper fraction red. और उसके लिए हम लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है देखना चाहिए है ना. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो प्रॉपर होता है और न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है वो इम्प्रॉपर होता है. उस तरह का प्रॉपर को हम लोग ग्रीन कलर में करना है इम्प्रॉपर को हम लोग रेड कलर में करना है. इसमें प्रॉपर 3/5 न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो ग्रीन कलर में करोगे क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है. नेक्स्ट में हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है रेड करोगे और नेक्स्ट हम लोग को 4/9 है वो ग्रीन करोगे क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है और 2/1 वो क्या है रेड करोगे इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है. उस तरह आगे भी देख रहे हैं बना लेना ठीक है. और नेक्स्ट मिक्सर फ्रैक्शन को टिक करना. टिक द मिक्सर फ्रैक्शंस. मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या है जो इसी मिक्सर फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट. जो फ्रैक्शनल पार्ट और होल नंबर दोनों एक फ्रैक्शन में आता है उस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग मिक्सर फ्रैक्शन कहता है. इसमें 2/5, 1/8, 1/8, 7/3x आर द गिवन फ्रैक्शंस. सो इन गिवन फ्रैक्शन 2/5, 1/8, 7/3x आर द मिक्सर फ्रैक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन 6/5/12, 2/8/9 आर मिक्सर फ्रैक्शंस. मूविंग टू द नेक्स्ट वन द मिक्सर फ्रैक्शंस आर 8/4/7, 3/6/13 आर मिक्सर फ्रैक्शन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 राइट द इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो गिवन फ्रैक्शन इज ए मिक्सर फ्रैक्शन. इन मिक्सर फ्रैक्शन में ही हम लोग इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों होता है ना. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 3/2/7. 3/2/7 में 3 हम लोग का होल नंबर पार्ट है. होल नंबर पार्ट को हम लोग इंटीग्रल पार्ट भी कहता है. सो इन दिस केस में 3/2/7 का केस में 3 इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर पार्ट है. तो हम लोग क्वेश्चन में इंटीग्रल पार्ट बोला गया पूछा गया है तो हमने इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे ठीक है. इंटीग्रल पार्ट को हम लोग होल नंबर पार्ट भी कहता है. तो हम लोग को 3 इंटीग्रल पार्ट है और 2/7 फ्रैक्शन पार्ट है ठीक है. और नेक्स्ट में 4/3/4 में 4 इंटीग्रल पार्ट है और 3/4 फ्रैक्शनल पार्ट है. और नेक्स्ट वन में 6/1/3 क्वेश्चन दिया हुआ है 6 इंटीग्रल पार्ट है 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन 7/5/9 है और वो 7 इंटीग्रल पार्ट है और 5/9 फ्रैक्शनल पार्ट है. और नेक्स्ट 2 और क्वेश्चन है उसको कोशिश करोगे अपने के बनाने के लिए ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज इनटू मिक्सर फ्रैक्शन. मिक्सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. वो कौन सा फ्रैक्शन दिया हुआ है हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा है. तो उस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं मिक्सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता है. तो हम लोग को दिया हुआ है 4/3. तो 4 को अगर 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1/3 1 इज द रिमाइंडर. तो हम लोग को लिखेंगे 1/3 हम लोग मिक्सर फ्रैक्शन में लिखेंगे ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5/2 है. 5/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 हम लोग को क्वेश्चन में आएगा 1 हम लोग रिमाइंडर में बचेगा. तो हम लोग लिखेंगे 2/1/2 हम लोग लिखेंगे ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को 11/4. तो क्वेश्चन हम लोग को 2 4 8 आएगा 3 रिमाइंडर आएगा तो हम लोग लिखेंगे 2 3/4. उस तरह का 3 और क्वेश्चन है उसको भी बनाओगे ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को चेंज इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हम लोग को करना है इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. वो क्वेश्चन से हम लोग कल बनाएंगे ठीक है. सो आज आप लोग करोगे एक्सरसाइज 9B का 1 से लेकर 5 तक बुक में बनाओगे ठीक है. ओके थैंक यू.